मेजर डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण भाग दो, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा मिशन है। हमारे यहाँ पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज कर लेते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। मैंने भाग एक में बताया मेजर डिप्रेशन के लक्षण, मुख्य मुख्य लक्षण का क्या होते हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण बताता हूँ। एक लक्षण और एक है जिसमें उसको लगता है गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधीपन की भावना। उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी गलती किया है, मैंने गलती नहीं करना चाहिए था, मैं दोषी हूँ, ऐसा उसको लगता है और अपने आप को वो कोसते रहता है। तो गिल्ट बहुत ज़्यादा प्रमाण में डिप्रेशन के पेशेंट को रहता है। फिर कुछ लोगों को बदन के लक्षण बहुत दिखाई देते हैं, मतलब सोमैटिक सिम्टम्स, जिसमें ऐसा लगता है कि उनकी ताकत नहीं है, ताकत किसी ने भी खींच लिया है। फिर थकान ज़्यादा आती है ना, टायर्ड हो गए, स्नायु जो है मसल्स उसमें दर्द होना, फिर सर दर्द होना, भूख न लगना, अनाज में रुचि न लगना, फिर कब्ज हो जाना, वजन घटना, और फिर ऐसे लैंगिक समस्या भी उसमें आ जाती है जिसमें शिश्न में कठोरता नहीं आना, शीघ्र पतन होना, धीरे धीरे बिल्कुल इच्छा ही नहीं होना सेक्स करने की। फिर नेक्स्ट लक्षण जो है वो है गति में कमी, रिटार्डेशन, मतलब उसका चलना, उसकी क्रिया, उसके विचार सब स्लो हो जाते हैं। उसको आइडियाज़ जो है वो आइडियाज़ फटाफट नहीं आते, विचार एकदम धीरे धीरे करने लगता है वो। लक्ष्य केंद्रित नहीं होता, कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं होता, बात धीरे 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 कम करना चालू करके एकदम वो गूंगा हो जाता है। कुछ लोगों में एजिटेशन आता है, एजिटेशन मतलब ज़्यादा उत्तेजना आती है और वो ज़्यादा रेस्टलेसनेस, इधर से उधर घूमना, उधर से उधर घूमना, और घबराहट, बेचैनी, और ऐसा लगता है कि उनको कोई अलग बीमारी है, मतलब डिप्रेशन जैसी बीमारी लगती नहीं है उनको, एजिटेशन लगता है, एक जगह बैठते नहीं हो। तो कम क्रिया होने से ज़्यादा क्रिया हो जाती है उनकी, मतलब एजिटेशन होता है। फिर कुछ लोगों को डायर्नल वेरिएशन ऑफ मूड रहता है, मतलब मूड का जो टाइम है वो सुबह शाम बदलते रहता है। सुबह उनको बहुत ही बुरा लगता है, मतलब ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा उदासीनता सुबह उठने के बाद में बहुत लगती है। फिर धीरे 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 जैसा दिन निकल जाता है वैसा उनका मूड जो है अच्छा अच्छा होते रहता है, शाम को वो अच्छा लगना उनको शुरू हो जाता है, फिर वो डायर्नल वेरिएशन है। और कुछ लोगों को पैनिक अटैक आता है, पैनिक अटैक मतलब एकदम घबराहट का दौरा, बहुत बड़ा घबराहट का दौरा, जिसमें उनको लगता है कि भाई छाती में सीने में धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, गले में ऐसा लगता है कि बस अभी चोक हो गया जैसा गला, अभी सांस लेते नहीं आएंगे उनको, चेस्ट में पेन हो जाता है, दर्द होता है और ऐसा लगता है कि अभी मर जाऊंगा, ऐसे उनको पैनिक अटैक आते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लक्षण डिप्रेशन के हैं, जितने जल्दी हम उनको ट्रीटमेंट चालू करते उतना अच्छा है। उनको एंटी डिप्रेशन ड्रग देना जिसका इफेक्ट 15 दिन 3 हफ्ते में आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार ये दिया तो पेशेंट जल्दी अच्छा हो जाता है। यदि पेशेंट को सुसाइड का डर है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है कि नहीं, कभी भी वो सुसाइड कर सकता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, खाना पीना नहीं है, सुसाइडल आइडिएशन या अटेम्प्ट है बहुत, यानी खाना पीना एकदम कम कर दिया है, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी ECT ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है और वो जल्दी अच्छा हो जाता है। तो ऐसी ट्रीटमेंट ये डिप्रेशन की है। ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों को आप फैलाओगे उतना लोगों को इसकी मालूम होगी, क्योंकि 10-15% लोग आबादी में से जो है वो उनको डिप्रेशन है, मतलब हर 100 व्यक्ति में 10-15 लोग डिप्रेशन से ग्रसित है, उनको डिप्रेशन है और उनको इलाज की ज़रूरत है, मगर लोग इलाज करते नहीं है, खींचते रहते हैं और उनको प्रॉब्लम होते रहता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।